नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल राज वेब स्किल में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आपके आधार नंबर पे कितने सिम कार्ड एक्टिवेट हैं। अगर आप लोग देखते हैं कि रोड साइड में जितने भी लोग सिम एक्टिवेट करते हैं, जैसे सिम चालू करते हैं, कम रेट में बेच देते हैं, उसमें से पार्टिकुलरली 100 लोग अगर 100 लोगों को सिम कार्ड वो दे रहे हैं तो उसमें 3 लोगों के साथ धोखाधड़ी हो जाता है। जैसे कि आप सिम लेते हैं, उसके बाद फिर बोलते हैं कि मेरा सिम तो एक्टिवेट नहीं हुआ, तो वो लोग बोलते हैं सर्वर इशू है, ये सब इशू है। तो वहाँ पर अगर सिम जो रोड साइड पर लेते हैं तो वहाँ पर वो लोग बहुत ही सस्ता देते हैं, वहाँ पर स्कैम होने का बहुत ही ज़्यादा चांस होता है। और उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके आधार नंबर पे करंट जो आपके मोबाइल नंबर है, तो उस मोबाइल नंबर से जो आधार कार्ड आपका लिंक है, उस आधार नंबर से कितने नंबर आपका एक्टिव है वो आप लोग इजीली चेक कर सकते हैं। कैसे, वो भी जेन्युइन आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपके आधार नंबर से कितने मोबाइल नंबर अभी चल रहे हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के गूगल क्रोम में आना है। गूगल क्रोम में आपको सिंपल आपको टाइप करना है TAFCOP, आपको यहाँ पर टाइप करना है TAFCOP, ठीक है। इसको टाइप करने के बाद आपको गो पे क्लिक करना है। जैसे ही गो पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे टॉप में आ जाएगा https://TAFCOP.sanchar.sathi.gov.in। ये जेन्युइन है, यहाँ से आप लोग अपने आधार नंबर से चेक कर सकते हैं कि कितने टोटल यहाँ पे मोबाइल नंबर एक्टिवेट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, TAFCOP पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो देखिए दूर संचार विभाग का ये ऑफिशियल साइट है, ये ओपन हो जाएगा। उसमें यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट रिसीव लगभग इतना लोग किए हैं, रिक्वेस्ट रिसॉल्व इतना हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर सिंपल आपको अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर डायल करना है, जो करेंट मोबाइल नंबर है। जैसे जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डायल करता हूँ, और उसके बाद डायल करने के बाद कैप्चा कोड यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट कैप्चा पे करेंगे, फिर OTP आएगा, OTP यहाँ पे उसको यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। इस तरह से आपको भी प्रोसेस करना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इतने नंबर मेरा क्या है, मोबाइल नंबर रजिस्टर इन योर नेम, मतलब टोटल 3 नंबर मेरा क्या है, रजिस्टर है। इस तरह से अगर इसमें से कोई भी नंबर आपका रजिस्टर नहीं है तो आपको नॉट माई नंबर पे आपको सिंपल क्लिक कर देना है, उसके बाद रिपोर्ट कीजिएगा। तो वो क्या होगा, वो मोबाइल नंबर आपके जो भी बंदा चला रहा है उस मोबाइल नंबर से, जो आपके मोबाइल नंबर और आधार कार्ड से जो लिंक है, अगर वो नहीं है आपका आधार कार्ड से लिंक, तो उस पे OTP जाएगा या फिर मैसेज आएगा कि आप अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक करा लीजिए, उसके पास जाएगा, अदरवाइज उसका मोबाइल नंबर भी बंद हो जाएगा। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपका जो मोबाइल नंबर नहीं है तो नॉट माई नंबर पे क्लिक करके रिपोर्ट कर देना है, उनका सिम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इस तरह से आप लोग इजीली कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।